आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हाय बोल दो, चलो वहां पे बोलो। बोल रहे, बोल दिया ऐसे बोलो, राधे राधे, बोलो राधे राधे। जय श्री राम दोस्तों, आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल मस्त होंगे एंड आजकल शादी के सीजन का तो मजा ही ले रहे होंगे। तो दोस्तों, ये ना भैया की शादी है, तो भैया की शादी का तो मैंने स्टार्टिंग कर ही दिया है। तो आज है मेहंदी। मेहंदी में मैं फटाफट से रेडी हो गई थी क्योंकि यार मुझे ना वीडियो बनाने का सच में टाइम नहीं था, इतने काम होते हैं। एंड यहाँ पे इतना अच्छा प्रिपरेशन कर रखा था, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट्स था हर चीज़ का। एंड ना ये बताना कि मैं लग कैसे रही हूँ, ये जो मैंने सूट आप देख रहे हो ना, ये मैंने ऑन द स्पॉट लिया था, मार्केट से लिया था। एंड क्योंकि मेरे ना कुछ कपड़े घर रह गए थे एंड सडनली नहीं हो पा रहा था कि मैं कहाँ से मंगाऊँ, क्या मंगाऊँ, तो इसलिए मैंने मार्केट से लिया। तो ये है कुछ मेरे अच्छे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे दोस्त जो मुझे शादी में ही मिले। उसके बाद हम लोगों ने डांस किया एंड ये है मेरे भैया, अजय भैया, तो इनके साथ भी बहुत मस्ती करी। तो अभी रात के 1 बज रहे हैं और हम अभी जस्ट घर पहुँचे हैं। हम लोगों ने खूब डांस किया, आप लोगों ने तो वीडियोज़ देखी होगी। एंड भैया लोग तो अभी वहीं हैं लेकिन हम लोग आ गए, 1 बज चुके हैं यार, सुबह भी उठना है बांध के लिए। तो अभी हम फटाफट खोला है एंड अभी चीज़ें हैं, तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। और कल हल्दी और बारात दोनों मैं एक ही ब्लॉग में दिखाऊंगी, तो ज़रूर जुड़े रहिए। राधे राधे, जय श्री राम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का दिन है हल्दी का दिन एंड अभी सारी प्रिपरेशन चल रही है, सुबह सुबह का टाइम है तो सब रेडी हो रहा है। यार मैं कब से भैया को ढूंढ रही हूँ, एक भैया के साथ ट्रांजिशन वीडियो बनानी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार वो वीडियो बनाऊँ कैसे, क्योंकि मैंने अभी तक इंस्टा में भी सर्च किया, यूट्यूब में भी सर्च किया, तो मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं बनाऊँ कैसे। बट लेट्स सी कि कितनी अच्छी बन सकती है वीडियो। एंड सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि जो मैंने वीडियो डाली थी, जो मैंने अभी 1 मिलियन सेलिब्रेशन किया था, 1 मिलियन के व्यूज़ का, तो उसमें आ चुके हैं 7.5 मिलियन व्यूज़। एंड इतनी खुशी हो रही है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड बस अभी हम थोड़ा सा प्रिपरेशन कर रहे हैं और शायद ना जो क्या है ये हल्दी है, हल्दी की रस्म शायद पीछे हो रही है, जिस भैया के घर के पीछे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है। आई थिंक यहीं हो रही है, I'll show you. Yes, यहीं हो रही है। तो यहाँ पे भैया की हल्दी रस्म की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है एंड सो अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं। मैं आपको अंदर दिखाती हूँ अंदर क्या क्या सब कर रहे हैं। तो यहाँ पे है नानी और मौसी। मौसी तो इनसे मिल गए, ये है दूल्हे की मम्मी जी। कैसा लग रहा है आपको आज भैया की शादी है? बहुत अच्छा लग रहा है। और भाभी के बारे में, भैया के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? भैया के बारे में क्या बोलूं, आज हल्दी है, छोटे से भैया आज बड़े हो गए, बहुत सबसे बड़े है ना भैया, सबसे बड़े है, तो सबसे हाँ बहू आने वाली है, बहू आने वाली, सबसे बड़ी बहू आने वाली है। अब बहू भी सेम वैसी है जैसे भैया है, तो इसकी अलग ही खुशी होती है ना। इनसे मिलिए, ये हैं दूल्हे राजा के पापा जी। आपको कैसा लग रहा है मौसा जी? भैया की शादी है, बड़े लड़के हैं घर के, अच्छा लग रहा है। एक इमोशनल मोमेंट भी होता है कि एक छोटे से जो होता है बच्चों के से पालते, फिर बड़े होकर बड़े हो जाते, फिर शादी होती है, हाँ पता ही नहीं चलता किसी चीज़ का। इनसे मिलिए, ये है दूल्हे राजा की चाची जी। आपको कैसा लग रहा है भैया कि आज हल्दी है? अरे वाह, अब तो सारा बहू ही संभालेगी फिर। हाँ ये है मौसा जी। मौसा जी आप बताइए, आपको कैसा फील हो रहा है भैया की? आप कहाँ से? आप गुजरात से आए हो ना? अरे ये बिल्कुल खास है, खास मौसा जी। ओके तो अभी भैया के कमरे में ये कौन सो रखा है भाई? उठ जा, इसकी तो सुबह छोड़ो। एंड अब इधर आते हैं थोड़ा सा, अब आते हैं मौसी वाली पार्टी में, ठीक है? हाय
अरे इनसे मिलिए यार, ये दोस्तों इनसे मिलिए, ये है मौसी पार्टी। तो मौसी और ये इनकी इधर देखिए भाई बहने, तो भाई रेडी हो रही है, फाउंडेशन वगैरह लग रहा है फेस में। तो ये देखो कुछ इस तरह का माहौल होता है। और भी मौसी जी आप बताइए कैसा लग रहा है, भैया की शादी है भाई, मौसी तो बहुत ज्यादा इंजॉय कर रही है, खतरनाक वाला। एंड इनसे मिले इनसे मिलिए, मौसी जी आपको कैसा लग रहा है भैया की शादी है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत मजे आ रहे हैं। और साथ में थोड़ी थोड़ी हाँ बहुत मजे आ रहे हैं, बहुत मजे आ रहे हैं भाई। सब शिबू भैया के, क्योंकि शिबू भैया सबके लाडले हैं। तो अभी थोड़ी देर में प्रिपरेशन मतलब अभी चल रही है, इसके बाद हम लोग जाएंगे पीछे एंड विल हैव फन, विल हैव हल्दी सेरेमनी। सो स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड। तो अभी प्रिपरेशन कुछ इस तरह है। शादी का जो बेस्ट पार्ट है ना वो है हल्दी की रस्म। तो ये हल्दी की रस्म के लिए ना सब लोग बहुत बेताब रहते हैं, क्योंकि सारी लेडीज को अपनी नथ पहनने का टाइम मिल जाता है। तो ऐसे ही ना हम सब लोग रेडी हो रहे थे एंड मौसियाँ जितनी भी हैं सब रेडी हो रहे थे। तो नथ के साथ तो यार अलग ही लुक आता है, और ये येलो जो साड़ी है ना, ओ माय गॉड, आपको तो पता ही है येलो डिफाइंस हैप्पीनेस। तो ऐसे ही ये येलो कपड़े पहन के ना चेहरे में अलग ही एक चमक आती है। आजा तू ही आजा, खुशी का। अच्छा ये खुशी है यार, ये अच्छी आ रही है। सारे के सारे स्माइल करो ना। उसके बाद शुरू हो गई थी हमारी हल्दी की रस्म। काफी ज्यादा अच्छा अरेंजमेंट किया था भैया लोगों ने, और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, उन सब ने बांध दिया। मैंने सबकी फोटोग्राफ्स ली और इनकी ना रील भी बनाई है, बहुत अच्छी थी। बारात के लिए मैं रेडी हो गई थी, मैंने आउटफिट अपना बहुत सिंपल सा और इजी टू वेयर रखा था, सूट मैंने रखा था। एंड यार सच बताऊं तो एक फोटो तक क्लिक नहीं करी मैंने उस सूट में। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊं, भैया की जो शादी हो रही है ना वो उन्हीं की बेस्ट फ्रेंड से हो रही है, तो यार इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है। मैं और प्रियंका दी और साथ में मौसी और दूल्हे राजा, हम सब लोग एक ही गाड़ी में थे, और रास्ते पर ना हमने बहुत सारे मजे किए। और जब हम वहाँ पहुँचे, भैया बग्घी में बैठे ना, तो भाई मतलब ऐसा लग रहा था, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि यार भैया की शादी है। वहाँ पर पहुँचते ये खूबसूरत सी ब्राइड जो हमारी है, आप देखो कितनी प्यारी लग रही है ना भाभी। तो यार ये अलग ही खुशी होती है ना अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ शादी, ओ माय गॉड। तो उसके बाद ना ये जो इनका प्री वेडिंग शूट था ये लगाया था, तो इनको देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगा यार कि हाँ सब शूट करेंगे, सबको करना चाहिए यार शूट। शादी के पहले का जो प्री वेडिंग शूट होता है ना वो सबको करना चाहिए, चाहे तुम सिंपल रखो चाहे तुम कैसा भी रखो। उसके बाद ना हम लोग घर आए एंड मैं और मौसी सबसे पहले निकल गए थे, और हम लोगों ने वेलकम की प्रिपरेशन करी, उनके गृह प्रवेश की सारा प्रिपरेशन किया, फूल मंगवाए और ये रिबन कटिंग का रखा था। भैया लोग आ चुके थे, ऊपर से हमने ये जो उनकी फोटोग्राफ्स थी इस तरह से कुछ अरेंजमेंट्स किए। एंड उसके बाद हमारी भाभी आती है घर में, और ये हुआ उनका गृह प्रवेश। ये जो खूबसूरत फीलिंग होती है ना यार, जब लक्ष्मी घर में आती है तो यार मतलब घर ही चमक जाता है, घर ही महक जाता है। आफ्टर दैट रिसेप्शन के लिए मैं रेडी हूँ। रिसेप्शन के लिए तो मुझे ना सच में सब कुछ अपना बेस्ट देना था, क्योंकि मुझे साड़ी पहननी थी एंड साड़ी तो मेरा फेवरेट आउटफिट है। मैंने कहा यार मैं अच्छे से किसी भी फंक्शन में ढंग से रेडी नहीं हो पाई, लेकिन मेरे को रिसेप्शन में होना था। रिसेप्शन में कॉन्सर्ट शो भी रखा था, यहाँ पे 3 गढ़वाली सिंगर आए थे और काफी ज्यादा धूम मचाई थी सबने। फैमिली वो नहीं, तुम डांस करना भेजा। आप सभी से निवेदन है
मौसी मौसा चाचा चाची ताऊ नानी दादा दादी आ जाओ सारे मिलके करेंगे डांस। इसी मेरी वाली पहाड़ों को रे बसी तू दिल्ली रोड वाली मैं थर कुपाड़ी वाली तू बिसी मेरी वाली। यार अब थोड़ा सा मैं अपनी बात भी कर लेती हूँ। अगर मैं अपने आउटफिट की बात करूँ तो मैंने लेमन कलर की साड़ी पहनी थी जो कि मैंने लिया था देहरादून के पल्टन बाजार से। और ये अगर आपको ना अपनी शादी अपनी मतलब किसी की भी शादी के लिए आपको साड़ी लेनी हो तो आप हमेशा लाइट कलर्स में जाओ, तो मैंने भी ये लाइट कलर लिया था। एंड बिलीव मी गाइस, लाइट कलर हमेशा बहुत अच्छा शाइन करता है, सो यू कैन गो फॉर इट। एक और बात यार, मेरे इतने अच्छे अच्छे दोस्त बने हैं ना, मतलब भाभी के साइड की जो ये बहनें थी ना इनकी, ओ माय गॉड, इनके साथ अच्छा वाइब किया हमने, बहुत अच्छा वाइब किया। एंड सच में बहुत ही अच्छी फीलिंग थी इन लोगों के साथ रह के। तो यहाँ पे सब लोग ना खाना खा रहे थे एंड यहाँ पे ना पान वाले भैया आए थे और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी शायरी मारी थी, तो आप ये सुनो। सुनो गाइस, इस पान का नाम है ईरानी। क्या नाम है? ईरानी। इस पान का नाम है ईरानी, इसे खाएंगी देहरादून की रानी। गलत हो गया, चंबा की रानी। पान को कर दिया है मैंने गोल, मैडम लग गई है प्यारी सी बेबी डॉल। ये पान नहीं है शरबत, हूँ मैडम लग गई है करीना कपूर। बोलो क्या कहा? इस पान का नाम है किंग। क्या नाम है? किंग। इस पान का नाम है किंग और भैया लगता है यू यू हनी सिंह। ये पान नहीं है शरबत, हूँ मैडम लगती है करिश्मा कपूर। तो दोस्तों अभी सब कुछ शादी का फंक्शन हर चीज़ हो चुकी है एंड अब मैं वापस जा रही हूँ अपने प्यारे दोस्तों के पास अपनी इंटर्नशिप में। एंड ये खीरा मैंने लिया क्योंकि मुझे ना थोड़ा हाइड्रेटेड रहना है, इसलिए मैंने खीरा भी खा रही हूँ। एंड अभी मैं हरिद्वार के बस स्टॉप में हूँ, जो भाई छोड़ने आया था आशु भाई। तो मैं आपको बता नहीं सकती, मैं इतनी ज़्यादा मेमोरीज लेके जा रही हूँ, इतनी ज़्यादा मेमोरीज लेके जा रही हूँ, बड़ों का प्यार मतलब आशीर्वाद हर चीज़ लेके जा रही हूँ अपने साथ। एंड मेरे को सबकी बहुत याद आएगी यार, मतलब ये टाइम बार बार नहीं आता है सच में। तो मैं आप लोगों को ना यही बोलूँगी यार, जितना टाइम मिलता है ना जस्ट गिव इट टू योर सेल्फ, खुद को टाइम दो और इन्जॉय करने का मौका भी मत छोड़ो। दैट्स इट। एंड बस अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहिए निर्वाणी ब्लॉग। बाय।